नमस्कार पशुपालक भाइयों और किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सीताराम गाडरी और स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा पशु होता है, हम उनका दूध कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या मतलब तरीके हैं जिनसे मतलब उनका दूध बढ़ाया जा सकता है, क्या क्या उनको खिलाएँ जिससे कि मतलब उसके दूध में वृद्धि हो। और दोस्तों, हमें मतलब कौन कौन से पशु को किस किस टाइम पर मतलब ये खिलाना है, कैसे खिलाना है, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में पूरी बात को जानेंगे। तो दोस्तों, आपसे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और एंड तक अच्छी तरीके से समझें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो साथियों, आपको इसमें मैं मतलब घरेलू तरीका बताने वाला हूँ। एक फॉर्मूला है जिसको आप मतलब करके अपने पशु का दूध काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको गेहूं का दलिया होता है, वो दलिया लेना है। दोस्तों, गेहूं का दलिया गर्मी के लिए बढ़िया होता है, गर्मियों के दिन के लिए मतलब बढ़िया होता है। दोस्तों, अगर सर्दी हो तो आप इसमें मक्की, जो इस तरह का भी आप दलिया ले सकते हो, लेकिन गर्मियों के हिसाब से आपको गेहूँ का दलिया बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों, आपको इसमें गेहूं का दलिया 3 किलो के आसपास ले लेना है। दोस्तों, जो मैं आपको इस वीडियो में क्वांटिटी बता रहा हूं, वो आपको एक दिन की बता रहा हूं। एक दिन का मतलब आपको मैं फॉर्मूला बता रहा हूं। आप इसको अगर 15 दिन तक लगातार करोगे तो दोस्तों, गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं कि आपके पशु में दूध की वृद्धि होगी। तो दोस्तों, आपको इसमें 3 किलो गेहूँ का दलिया ले लेना है और दोस्तों, उसको मतलब अच्छी तरीके से अपने को चूल्हे के ऊपर या गैस के ऊपर अच्छी तरीके से उसको पका लेना है। दोस्तों, उसके साथ साथ अपने को क्या क्या चीज़ें और इसमें ऐड करनी है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, अब इसके अंदर आपको क्या ऐड करना है, दूसरी चीज़ होती है दोस्तों इसके अंदर तारामीरा, क्योंकि हम खेतों में अपने बोते हैं, वो तारामीरा आपको इसमें 50 ग्राम मिला देना है। आप मतलब दुकान से भी लेके आ सकते हो, मतलब 50 ग्राम इसके अंदर मिलाना है। तारा मेरा भी दोस्तों बहुत अच्छा होता है, शरीर में मतलब अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और शरीर के कीड़ों को मारने में मदद करता है। और दोस्तों, तीसरे नंबर पर आपको इसमें क्या ऐड करना है, तीसरे नंबर पर दोस्तों आपको इसमें सरसों का तेल मिलाना है। और आपको सरसों का तेल दोस्तों इसमें 100 ml लेना है, 100 ग्राम आपको इसमें सरसों का तेल ले लेना है। सरसों का तेल लेने के बाद दोस्तों, इसमें आपको 400 ग्राम चीनी लेनी है, क्योंकि मतलब चीनी गर्मियों के लिए बेस्ट है। और दोस्तों, आप इसमें गुड़ भी ऐड कर सकते हो, लेकिन आप सर्दी के टाइम में गुड़ ऐड करोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, ये होगी मतलब 4 चीज़ें। अब दोस्तों, अगली चीज़ आपको क्या ऐड करनी है इसके अंदर, आपको इसमें मीठा सोडा ऐड करना है। दोस्तों, मीठा सोडा दोस्तों अपनी जो पशु की पाचन शक्ति होती है, उस मतलब उसको पाचन को सही तरीके से वो पचा देता है। जो भी हम अपने पशु को खिलाते हैं कुछ भी, तो उसको मतलब ये अच्छी तरीके से ये पचा देता है। और दोस्तों, ये अपने को तभी देना है जब अपना पशु को मतलब दस्त नहीं लगी हो। दोस्तों, अगर पशु को दस्त लग रही है तो आपको मतलब मीठा सोडा इसमें नहीं डालना है। और दोस्तों, अगर पशु को दस्त नहीं लग रही है तो आपको इसमें 2-3 चम्मच मीठा सोडा ऐड कर देना है। तो दोस्तों, इन चीज़ों को आप कब ऐड करोगे, जब अपना दलिया अच्छी तरीके से मतलब चूल्हे के ऊपर पक जाए, बाद में दोस्तों उसके अंदर आपको ये मिलाना है, ऊपर से इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके आपको इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देना है। दोस्तों, इसको कुछ देर ठंडा हो जाने के बाद आपको इसको पशु को खिलाना है। खिलाएँ कब दोस्तों, उसका क्या टाइम है, अगर आप इसको सुबह ही मतलब आप चूल्हे पर चढ़ा दो या सुबह ही इसको तैयार कर दो, तो आपको ये शाम के टाइम देना है। शाम के टाइम भी आपको कब देना है, जब हम अच्छी तरीके से मतलब दुआई कर लें, दूध दूध निकाल लेते हैं, अपने पशु ने चारा पानी सब कुछ खा लिया पी लिया है, तब इसको दोस्तों अपने को देना है। इसको देने के बाद दोस्तों, पशु को ना ही तो पानी पिलाना है, ना ही चारा डालना है, उसको कुछ नहीं खिलाना है। पूरी रात मतलब ये दलिया ही मतलब उसके पेट में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा और अच्छी तरीके से लाभ करेगा। इसके ऊपर अपने को कोई भी चीज़ मतलब पशु को नहीं खिलानी है। तो दोस्तों, ये बहुत ही लाभदायक रहेगा। तो दोस्तों,
इस वीडियो में आप समझ पाए होंगे। और दोस्त यह मतलब फॉर्मूला आप 15 दिन तक करके देखे और फिर बाद में आप मेरे को कमेंट करना कि मतलब आपके पशु का दूध बढ़ा या नहीं बढ़ा। तो दोस्तों इस फॉर्मूले को आप करें और अपने पशु का दूध जल्दी से जल्दी मतलब बढ़ाए। तो दोस्तों यह एक पंजाबी फॉर्मूला है और मैंने आपको इसके बारे में बताया और आप ज़रूर समझे होंगे। और भी दोस्तों अगर आपको इसके रिलेटेड कोई वीडियो आपको मतलब किसी की जानकारी लेनी है किसी भी प्रकार की तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और दोस्तों इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप इस वीडियो पर नए हो या इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों ऐसी वीडियो हम रोज़ डेली आपके लिए लाते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत।